नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इंडियन आर्मी CAD पुलगांव ग्रुप सी की भर्ती के बारे में जिक्र किया था, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस भर्ती का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका पूरा फॉर्म। हालांकि पेज ज़्यादा है लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सभी कॉलम्स की बिल्कुल सियोस्टिक जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका फॉर्म। यहाँ पर ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा टू द कमांडेंट सेंट्रल एमिशन डिपोर्ट पुलगांव पिन 44203। तो ये आपका एड्रेस है जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन लेटर सेंड करना है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड्समैन मेट फायरमैन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या फिर व्हीकल मैकेनिक या फिर टेबल, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है, और यहाँ पर उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं ट्रेड्समैन मेट के लिए भर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद आगे चलकर आपका रिक्रूटमेंट नोटिस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट नोटिस जो है वो लिखना है। मैं आपको ये बोल के बता देता हूँ, SC/CAD/RECT/01/2021। और दोस्तों, ये जो नोटिस रिक्रूटमेंट नंबर है, ये आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, जो पहला कॉलम है यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, यानी कि मैंने ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट लिखा है। आप अदर जो पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट की है, यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या फिर टेलर की है या फिर फायरमैन की है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब इसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट है, तो ये नेम ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ पर लिखना होगा। और इसके बाद आपके फादर का नेम, और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो फोटो पेस्ट होगी, और जो फोटो है वो रिसेंट होनी चाहिए। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, आपकी DOB पूछी गई है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों बिल्कुल सही और सटीक होनी चाहिए, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मैच होने चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलकर आपकी डेट एज पूछी गई है, लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 23 जुलाई 2021 को आपकी उम्र कितनी होगी। तो आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल कैलकुलेटर, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कितने आप कितने ईयर्स के होंगे, कितने मंथ्स के होंगे, कितने डेज के होंगे, ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, हमसे क्या पूछा गया, तो पॉइंट जो 6 है इसमें आपको एड्रेस पूछा गया, तो आपका एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा, आपके हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देनी होगी। और इसके बाद आगे चलकर आपका परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपके पास दो एड्रेस है तो दोनों अलग अलग लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर सेम एड्रेस भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उसका भी हमने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, जो कॉलम 8 है इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया, यानी कि आपने कौन कौन सी क्लास पास की है या फिर कौन सा डिप्लोमा किया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि जो 10th पास किया है तो यहाँ पर 10th लिखेंगे। इसके बाद आपके स्कूल का नाम, आपके बोर्ड का नाम, आपको टोटल कितने मार्क्स आए, और यहाँ पर परसेंटेज लिखनी होगी दोस्तों। और इसके बाद अगर आपने 12th की है आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपके स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। और दोस्तों, आपने जो जो ये पास की है तो उनकी मार्कशीट जो है वो भी इस एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच करनी होगी। अब इसके बाद आगे चलकर जो कॉलम 9 है, तो आप जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, ये था आपका पहला पेज। अब इसके बाद पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका पेज नंबर 2। यहाँ पर सबसे पहले जो 10 कॉलम है इसमें आप एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा गया, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ये फिल करेंगे, अदरवाइज ये फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ रिटायरमेंट और टोटल सर्विस लिखनी है। और दोस्तों, आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी एप्लीकेशन लेटर से अटैच करना होगा। अब इसके बाद जो कॉलम 11 है इसमें आपके PH के बारे में पूछा गया, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी लिखनी होगी, और इसकी जो सर्टिफिकेट होगी यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो भी आपको इस एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच करनी होगी। अब इसके बाद जो कॉलम नंबर 12 है इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में पूछा गया, तो अगर आप इससे रजिस्टर्ड हैं तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। और अगर आप यस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी डिटेल देनी होगी। और इसके बाद आपके सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के बारे में पूछा गया, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। और अगर काम करते हैं तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके ऑफिस की डिटेल, आपके नेम ऑफ पोस्ट के यानी किस पोस्ट के लिए आप काम करते थे, और साथ में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देनी होगी। अब इसके बाद आगे चलकर दोस्तों, यहाँ पर डिक्लेरेशन दी गई है, आपको ये पढ़ लेनी है। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर डेट ऑफ पैलेस लिखना है। अब इसके बाद आगे चलकर, हालांकि दोस्तों कॉलम दिए हुए हैं लेकिन हमें इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑफिस रिकॉर्ड्स ओनली, यानी कि ऑफिस के काम के लिए है, तो हमारा जो काम था वो यहीं तक था। अब इसके बाद आगे चलकर जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसकी ओर चलते हैं।
तो दोस्तों ये आपका पेज 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्नोलेजमेंट कार्ड और नीचे चक्कर लिखा हुआ है फिल कॉलम 1 2 3 4 एंड 8, यानी कि 1 2 3 4 और 8 जो कॉलम है वो हमें फिल करना है। तो पहला कॉलम यहाँ पर आपका नेम, दूसरे कॉलम में आपके DOB, इसके बाद आपके फादर या फिर हस्बैंड का नेम, और इसके बाद जो चौथा कॉलम है यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर, स्टेट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन। और इसके बाद जो आठवां कॉलम है यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपके सिग्नेचर होंगी है। तो ये जो तीसरा पेज था इसमें केवल इतना ही लिखना है, हमें ध्यान रखना है कि आपका जो कॉलम है 1 2 3 और 8 जो है यही फिल करने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट पेज, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलिंग लेटर मैंडेटेड टू बैच ऑन सेपरेट सीट। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है ये हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये केवल ऑफिस यूज के लिए है, आप इसे देख सकते हैं हालांकि, लेकिन हमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज हम उसकी ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये जो अगला पेज है ये केवल SC और ST कैटेगरी के लिए, अगर आप SC और ST कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट लिखा मिल जाएगा। इसके बाद नीचे चलकर आपको वहाँ पर यहाँ पर अपना नेम, उसके बाद फादर का नेम और आपका एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर आपको कास्ट लिखना है आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं अगर आप SC और ST के अंडर आते हैं। अब इसके बाद नीचे चलकर दोस्तों यहाँ पर जो दो कॉलम इसमें भी आपको सेम जानकारी देनी है, और इसके बाद लास्ट में चलकर आपको दोस्तों यहाँ पर भी सेम जानकारी देनी होगी, और यहाँ पर आपके जो ऑफिसर है उनका सिग्नेचर होगा जिनसे ये जो सर्टिफिकेट है ये रिलीज होगा। तो दोस्तों तो ये जो पेज है ये केवल SC और ST के कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अब इसके बाद आगे चलकर जो नेक्स्ट पेज हम उसके ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपके एड्रेस, हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस होगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, और यहाँ पर डेट लिखनी होगी। अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरीज भरते हैं तो आपको ये फिल करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो पेज है दो है, मैं आपको एक पेज और दिखा देता हूँ। ये जो दोनों पेज है दोस्तों ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, और नीचे चलकर आपके यहाँ पर जो है डॉक्टर्स के सिग्नेचर होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ख़त्म होता है, आप नीचे चलकर देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल के यानी कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट, CMO, हेड ऑफ हॉस्पिटल, उनके सिग्नेचर होंगे, और साथ में उनकी जो है वो स्टाम्प भी लगेगी। तो दोस्तों ये था आपका पूरा फॉर्म, आई होप कि आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी भर्ती की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।